इंटरनेट पे अगर हम देखें तो हमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए यूज़फुल है? व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है संजय और आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 वेबसाइट्स जिन्हें आपको विजिट करना ही चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जो भी वेबसाइट बताने वाला हूँ उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन्हें चेक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट जो कि आज की लिस्ट में है वो है RoadTrippers। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसमें आपको करना क्या है, जहाँ पर ये स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको अपने डेस्टिनेशन का स्टार्ट पॉइंट टाइप करना होगा। आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डेस्टिनेशन में टाइप करना होगा कि कहाँ पर आपकी जर्नी एंड होगी। इसके बाद आपको ये जो नीचे सब कैटेगरीज दिख रही हैं इन्हें भी सिलेक्ट करना होगा, जिससे कि आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे तरीके से फ़िल्टर हो पाए। तो फिलहाल मैं पुणे सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की सब कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ मुझे उसके बाद प्रेस करना होगा गो बटन। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे डॉट डॉट्स आपको दिख रहे होंगे मैप में। तो ये जो मैप है ये है मुंबई से पुणे तक का, और इसमें आपको जो रोड है वो भी ट्रैक करते हुए दिख रही है। तो ये डॉट्स हैं, ये हैं अलग अलग डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जा सकते हैं अपनी जर्नी के बीच में। कई बार आपको पता नहीं होता कि कहाँ पर घूमने जाएं, तो ये वेबसाइट आपको हेल्प कर सकती है। पर इवन ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी बता देती है, जैसे कि कितना पेट्रोल आपको लगेगा किसी जर्नी तक जाने में या किसी मॉन्यूमेंट तक जाने में, और आप कहाँ कहाँ जाना पसंद कर सकते हैं। ये इवन आपके लिए होटल्स भी छोड़ देता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की ओर। सेकंड वेबसाइट जो कि आज की लिस्ट में है वो है अकाउंट किलर। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और ये बेसिकली करती क्या है, अगर आपको कोई सा भी अकाउंट डिलीट करना है, चाहे वो हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इवन व्हाट्सएप, तो आप वो इसके ज़रिए कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फेसबुक पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर। इसके बाद आपको सबसे नीचे वाली हाइपरलिंक पर क्लिक करना है और ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा आपको डिलीट आईडी पेज पर। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है डिलीट माय अकाउंट का। आप जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको कहीं सेटिंग्स में जाना है नहीं फेसबुक की, डायरेक्टली वेबसाइट पर ये क्लिक कीजिए आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वेबसाइट जो कि आज की लिस्ट में ये है फेसेस ऑफ फेसबुक। ये थोड़ी सी यूनिक वेबसाइट है। आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब प्रोफाइल पिक्स हैं अलग अलग फेसबुक यूज़र्स की। जी हाँ गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब प्रोफाइल पिक्स हैं अलग अलग फेसबुक यूज़र्स की जो कि अभी तक एग्जिस्ट करते थे। और जैसे ही मैं इन पर क्लिक करता हूँ आप जैसा कि देख सकते हैं ये सब अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन ये सब की फेसबुक आईडी होगी और उनके सब प्रोफाइल पिक्स हैं। ये कम्प्लीटली लीगल वेबसाइट है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। आप इन्हें टॉगल कर सकते हैं राइट लेफ़्ट की से, अप डाउन की से। और अगर आपको अपना फेस इसमें इंडिकेट करना चाहते हैं तो आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और बस फेसबुक पर लॉगिन कर दीजिए, और उसके बाद आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल इसमें मिल जाए। नेक्स्ट वेबसाइट जो कि आज की लिस्ट में है वो है डाउन फॉर एवरीवन और जस्ट मी। काफ़ी सिंपल वेबसाइट है। कई बार आपको पता नहीं होता कि ये वेबसाइट सिर्फ मेरे पीसी में काम नहीं कर रही है या सबके साथ वही प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बस उस साइट का यूआरएल टाइप करना होगा और प्रेस करनी होगी एंटर की, और आपको बता देगा यूट्यूब इज अप। कई बार सर्वर डाउन होते हैं और आप कन्फर्म नहीं होते कि सही में ही सर्वर डाउन है या मेरे पीसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है। कई बार आप श्योर नहीं होते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लास्ट वेबसाइट जो कि आज के लिस्ट में है वो है गुड मूवी टू वॉच। काफ़ी सिंपल वेबसाइट है। कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी मूवी देखें, कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं, तो ये वेबसाइट गाइज आपके लिए ही बनी है। आपको बस इस वेबसाइट पर जाना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ में देखना चाहेंगे। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ मिल जाएंगी, साथ में उनकी रेटिंग और डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा, और इवन ये आपको यहाँ तक बता देगा कि आप ये मूवी कहाँ पर देख सकते हैं और इसकी आपको ट्रू रेटिंग भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी मूवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बस आपको उस मूवी पर क्लिक करना होगा और ये काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे, साथ में आपको बता भी देंगे कि आप ये मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, और इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।